छत्तीसगढ़ कांग्रेस की महत्वपूर्ण बैठक। कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के प्रभारी पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम की उपस्थिति में संपन्न हुई। बैठक 26 जनवरी से शुरू होने वाले हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की तैयारी और कार्यक्रम की विस्तृत रणनीति बनाई गई। बैठक को संबोधित करते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि 2 माह की हाथ से हाथ जोड़ो पदयात्रा की सफलता के लिए हम जिलों एवं ब्लॉकों की अनिवार्य बैठक होनी चाहिए। 26 जनवरी से पहले सभी प्रभारी जिलों का दौरा करना है। राहुल गांधी का संदेश, हमारी सरकार के 4 साल के काम, केंद्र सरकार के नाकामियों, आरक्षण संशोधन विधेयक पर भाजपा के चरित्र को जनता तक ले जाना है। भाजपा के दबाव के कारण राजभवन में हस्ताक्षर करना रुका हुआ है। हर ब्लॉक में हमें रोज 10 किलोमीटर, 307 ब्लॉकों में 3000 किलोमीटर चलेंगे। पदयात्रा का आयोजन ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा किया जाएगा। जिला प्रभारियों, प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्यों, जिला अध्यक्षों की महत्वपूर्ण बैठक, छत्तीसगढ़ के पर्यवेक्षक आदरणीय पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व पीसीसी अध्यक्ष अरुण यादव जी लेंगे और दिशा निर्देश देंगे। 26 जनवरी से हाथ से हाथ जोड़ो पदयात्रा की रूपरेखा पर विचार होगा और दिशा निर्देश देंगे और एक बृहद कार्यक्रम है। माननीय राहुल गांधी जी का संदेश, केंद्र सरकार की नाकामियां, छत्तीसगढ़ सरकार की उपलब्धियों को लेकर डोर टू डोर जाएंगे, नुक्कड़ सभा, और हर घर जाने का प्रयास करेंगे और हमारी सरकार की उपलब्धियों को भी बताएंगे और माननीय राहुल गांधी जी का संदेश भी बताएंगे। आप लोग हाथ से हाथ जोड़ो अभियान में जो राज्यपाल हस्ताक्षर नहीं कर रही हैं, इस विषय को भी लेकर जाएंगे? जी जरूर, आरक्षण भी एक विषय होगा, आरक्षण भी एक बड़ा मुद्दा होगा, क्योंकि हमारी सरकार छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी पंचायत विधानसभा में आरक्षण विधेयक पास किया है और महामहिम राज्यपाल महोदय ने उसको रोक रखा है। तो इस किसके दबाव में रोका है सबको पता है। भारतीय जनता पार्टी राजभवन की आड़ में राजनीति करना चाहती है, छत्तीसगढ़ की जनता को हक और अधिकार देना नहीं चाहती है। भारतीय जनता पार्टी को हम लोग जनता के बीच में हम बेनकाब करेंगे। सड़क से सदन तक आप लोग लड़ाई लड़ लिए, कुछ हो नहीं पाया। हम सबकी मंशा है छत्तीसगढ़ में आदिवासी समाज जो 32% आरक्षण दे उनको चाहिए, हमारी सरकार देना चाहती है। तो हमने आदिवासी मंत्रणा परिषद में भी निर्णय लिया है, महामहिम राज्यपाल महोदय से एक बार फिर से मिलेंगे और उनसे निवेदन करेंगे और अन्य समाज भी महामहिम राज्यपाल महोदय से मिलकर अपने समाज की हक की बात कर रहे हैं। कल आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया कि केंद्र की, आज भाजपा ने आंकड़े जारी किए विधानसभा के, जिसमें अमरजीत भगत बता रहे हैं कि 51,000 करोड़ केंद्र सरकार ने दिया है। नहीं देखिए, भारतीय जनता पाओ जो हम चावल करके जो केंद्रीय पूल में देते हैं वो केंद्रीय पूल का चावल का पैसा देता है, ना कि धन का। थैंक यू। विकल्प पर भी विचार कर रहे हैं क्या? देखिए, हम लोग हर विकल्प पर विचार कर रहे हैं, हम लोग विधि विशेषज्ञों से भी सलाह ले रहे हैं आगे हम लोग क्या कर सकते हैं, हर विकल्प पर हम लोग विचार कर रहे हैं। लेटेस्ट न्यूज़ के लिए सब्सक्राइब करें और न्यूज़ अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।